सो कल मेरे को कोई मिला और उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप भी रिपब्लिक टीवी देखते हो तो अपनी जमानत का इंतजाम कर लो, क्योंकि जिस रफ्तार से आजकल FIR की जा रही है कौनो बड़ी बात नहीं है कि जल्द ही चैनल देखने वालों का नंबर भी लग जाए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंतंत्र। जितना ड्रामा आजकल न्यूज चैनलों और मुंबई पुलिस के बीच चल रहा है ना, उतना तो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट मिलकर भी नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि कुछ चैनल्स की TRP में खबरों के साथ साथ एंटरटेनमेंट वाली जनता भी जुड़ गई, और पुलिस को लगता है कि चैनल वाले पैसे देकर TRP खरीद रहे। पूरे देश के सामने चल रहे बिग बॉस टाइप इस नए एपिसोड में अब पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों के खिलाफ FIR की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि उनसे बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले टिश्यू पेपर से लेकर कोरोना से बचने के लिए लगाए जाने वाले सैनिटाइजर तक का हिसाब मांग लिया गया है। रिपब्लिक वाले बेचारे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग करें, जमानत का इंतजाम करें, या स्टोर रूम खोल के पुराने कबाड़ की रसीदें ढूंढें। वैसे ये वाला घटनाक्रम अब बचपन में पतंग उड़ाते वक्त पेंच लड़ाने जैसा पेचीदा हो चुका है। पहले ए चैनल का नाम लेकर मुंबई पुलिस को शिकायत की गई, फिर मुंबई पुलिस ने बी चैनल का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब अंत में यूपी सरकार ने सी बोलकर CBI जांच रिकमेंड कर दिया है। पर कमाल है जिन टीवी चैनलों पर बैठकर पुलवामा पर सवाल उठाए जाते हैं, कौन जात हो से बात शुरू होती है, और जिन चैनलों पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों को 24 घंटों की कवरेज दी जाती हो, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहां सीधे कर्मचारियों पर रिपोर्ट कर दी जाती है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस फ्रीडम के जो चैंपियन है वो इस वक्त अपने मुंह के अंदर सीमेंट का रायता डालकर चुप हो चुके। बहरहाल, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और दुनिया भी देख रही है कि सच को जितना दबाया जाएगा वो उतनी ही मजबूती से बाहर आएगा। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर बुद्धिजीवियों की इस चुप्पी तक सब याद रखा जाएगा। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कश्मीर के अलावा कोई झंडा नहीं उठाएंगे। वैसे महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं है जिन्होंने ऐसी बात कही, इससे पहले फारूक अब्दुल्ला धारा 370 वापस लाने के लिए चाइना का इंतजार करते हुए देखे गए थे, और पी चिदंबरम का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था। जो भी हो, लगता है वो मोटा भाई का ये वाला डायलॉग भूल गए। अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की, जहां राहुल बाबा ने अपने चिर परिचित अंदाज में धमाकेदार डेब्यू कर लिया है, और राहुल बाबा ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए देश को यह बताया कि चीन की सेना भारत देश के अंदर 1200 किलोमीटर तक घुस गई है। 1200 किलोमीटर, वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख से दिल्ली के बीच की दूरी 1023 किलोमीटर है, तो फिर 1200 कैसे हुआ? वैसे हो सकता है राहुल बाबा भारत में छिपे चाइनीज एजेंट्स, जो मीडिया से लेकर के पॉलिटिकल विचारधारा तक में चीन के साथ ही खड़े दिखते हैं, उनकी बात कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो फिर से जल्द ही स्क्रीन काली कभी भी हो सकती है। वैसे राहुल जी की गिनती, उनकी गणित पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, जरूर एंजॉय करिएगा, देखिएगा। और अगर अब एक दो बयान ऐसे उन्होंने और दे दिए तो उनके भूगोल ज्ञान पर भी एक नया वीडियो जल्दी रेडी कर देंगे। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कल आई उस खबर पर जो कपिल पाजी की तबीयत से जुड़ी थी। कपिल देव जी की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कपिल पाजी, आप हमारे देश की हर पीढ़ी की आन बान और शान हो। 1983 के वर्ल्ड कप को उठाते हुए आपकी मुस्कुराती वो तस्वीर एक जमाने में हर घर के ड्रॉइंग रूम का हिस्सा रही है, हर हिंदुस्तानी की शुरुआती टेलीविजन मेमोरीज का हिस्सा रही है। हम सब की तरफ से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना है, और कामना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से अपनी मुस्कुराहट TV स्टूडियो में बिखेरते हम सबको दिखाई दें। और आप ही के अंदाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप ठीक हो जाएं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।